कैसा रहा लॉकडाउन? कैसा रहा? बढ़िया था। हैं? थोड़ा अजीब नहीं है वायरस जो है ये? हैं? जिसने भी बनाया है, किसी ने तो बनाया ही है, थोड़ा अजीब नहीं बना दिया? क्योंकि किसी से पूछो क्या होता है इस वायरस से, तो बोलता है यार या तो ऐसा 2-4 दिन के लिए सर्दी जुकाम हो जाता है, या फिर मरी जाते बेंचो। मैं क्या है? ऐसा बीच में नहीं है कुछ? बीच का रख लो यार कुछ। अजीब अजीब है थोड़ा सा यार, पर इतना कोई इशू नहीं हुआ पता है, ये सब लॉकडाउन वगैरह रहा, ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं मेरे को। मैं चिल किया घर पे, नए लाइफ स्किल सीखे मैंने, अभी बर्तन धोता हूँ मैं। अरे डूड क्या बर्तन धोता हूँ मैं, ऐसा चमका देता हूँ एकदम, तुम दोबारा बेच सकते हो उनको, क्या बढ़िया बर्तन धो रहा हूँ। ऐसा गृह कार्य में तो दक्ष हो गया हूँ एकदम, सुंदर सुशील तो था ही पहले से, अभी मैं गृह कार्य में भी दक्ष हूँ। मेरी बीवी को बोला है मैंने कि कोई अच्छा सा घर देख के मेरे हाथ पीले कर दे। इग्नोर मार रही मेरे को। पर इतना कुछ हुआ पता है, महामारी फैली, सब कुछ रहा, पर ऐसा बदला कुछ नहीं, सब लग गए थे काम धंधे में दोबारा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं टीवी देख रहा था उस दिन, ठीक है, आई सॉ दिस एड फॉर अ टूथपेस्ट डिस्पेंसर, समबडी पुट इन हिज टाइम एंड एफर्ट एंड इनोवेटेड अ मशीन टू डिस्पेंस टूथपेस्ट। ये इश्यू चल रहा है क्या अभी? नहीं कर पा रहे हम लोग, नहीं दब रही हो नरम ट्यूब हमसे, बाहर महामारी चल रही है बहनचोद, हजारों लोग मर रहे रोज, पर एक आदमी है जिसको लग रहा है ये टूथपेस्ट और आसानी से निकला है, थोड़ा सा दिन कितना सुहाना जाए। नहीं नहीं मान रहा, कोई नहीं मान रहा, सब लगे हुए हैं, वो सेंसोडाइन टूथपेस्ट वाले लगे हुए हैं अभी भी, वो अभी भी दांतों की झंझनाहट पे लगे हुए हैं, उन्हें नहीं चाहिए वैक्सीन, वैक्सीन कुछ नहीं चाहिए उन्हें, उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है मेरे दांत में सीसी होते अच्छा लगता मेरे को, चाय के तुरंत बाद आइसक्रीम खा लूं अजीब सा लगता है। मैं मत का ना बेंच, पागल है क्या? रुक जा 5 मिनट, कहां जाना तेरे को? सब लगे हुए और क्यों नहीं लगेंगे, लोग यूज भी कर रहे हैं पता है, मेरे एक दोस्त के बाथरूम में लगा हुआ है टूथपेस्ट डिस्पेंसर। मैंने पूछा उसको क्यों लगाया तूने, बोलता है टाइम बचता है इससे। मैं डूड तेरा शेड्यूल तो काफी क्लियर हो गया फिर। क्या करता है इतने फ्री टाइम का? मेरी मान कोई हॉबी डेवलप कर ले, जैसे कि चुटकी बजाना, छींकना, अच्छा 3 तक की गिनती, काफी कुछ कर सकते। अजीब है पता है, बंदा ही अजीब। आया था कुछ दिन पहले, वो लॉकडाउन खत्म हुआ ना जिस दिन, गेट पे खड़ा था मेरे, उसको देख के मुझे पता चला था कि लॉकडाउन खत्म हो गया। तो हम गए ठेके पे खड़े थे, दारू खरीद रहे थे, पर वो थोड़ा ऑफ लग रहा था मेरे को। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो बोलता है उसे शक है कि उसकी गर्लफ्रेंड का ना अफेयर चल रहा है किसी संदीप नाम के लड़के साथ। मैं डूड वो लोग दोस्त भी हो सकते हैं, फालतू शक मत किया कर, दारू बता, दारू कितनी, हाफ ले लूं, हाफ बहुत है। तो कहता है शक मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है ना, उस लड़के का नंबर अपने मोबाइल में संदीप सेक्स। के नाम से सेव किया हुआ है। मैं किस नाम से सेव किया हुआ है? कहता संदीप, फिर से ब्रैकेट में सेक्स। मैं कहा फिर
फिर तो फूल ही ले लेता हूँ फिर। फिर तो कोई खास गुंजाइश बची नहीं। और तू अभी भी शक क्यों बोल रहा है इसे? अब यकीन से बोल सकते हैं भाई। वही बताया, लॉकडाउन में अजीब अजीब चीजें हुई। एक दिन क्या हुआ, मेरे फ्लैट की घंटी बजी, ठीक है। नाउ माय फ्लैट नंबर इज 438। घंटी बजी, मैंने गेट खोला, सामने एक बंदा खड़ा था, मुझसे बोलता है मुझे 442 में जाना है। अब देखो लॉकडाउन चल रहा था, काम मेरे पास कुछ खास था नहीं, तो मैंने ना दिन में ही गांजा मारा हुआ था, तो काफी देर तो मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, अभी इसका क्या अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स होता है। मैं जो सुरंग बना रखी मैंने 442 की, सीढ़ियां जा रही मेरे घर से, क्या हो रहा है ये? पर फिर मैंने संभाला अपने आप को और समझाया उसे कि सर आपसे ना एक बेसिक मिस्टेक हो गया। एक्चुअली होता क्या है, जिस फ्लैट में जाना रहता है घंटी फिर उसी को बजानी पड़ती है। ऐसा साइंस ने इतनी तरक्की थोड़ी की अभी। तो फिर मैंने बिठा लिया उसको। क्लियरली उसने भी गांजा मारा हुआ था। मेरा खत्म हो गया था एक्चुअली। तो फिर हम लोगों ने ऐसा 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन किया आपस में, पर जॉइंट शेयर करना पड़ गया। इतना रिस्क तो बनता है लाइफ। गांजे से आधा एक आखिरी अच्छा काम कर लिया था मैंने बिफोर दिस होल वर्ल्ड टर्न टू शिट। एम्स्टरडैम चला गया था। हाँ थैंक यू। अरे ये कम होते बताए ऐसे लोग, ऐसे दूसरे खुशी में खुश होने वाले। ये जनरली रिएक्शन नहीं होता, ये दिल्ली गुड़गांव में नहीं मिल रहा ये रिएक्शन। वो ऑफेंड हो जाते हैं कि हम भी गए भोसड़ी क्या हो गया। मैं क्या आप ही सुना लो आज। नहीं थैंक यू दोस्तों। मेरे को बताया था किसी ने कि उधर गांजा लीगल है। मैं बोला मेरा मुल्क मिल गया मेरे को, मैं निकल लिया। देखो ऐसे देशों के लिए जान देने का मन भी करता है। नहीं तुम कितना भी सिनेमा हॉल में खड़ा करवा लो, अंदर से तो नहीं आती, रिकॉर्ड तो नहीं करा बेंच कोई। देखो एक बात पहले क्लियर कर लेते हैं, किसी भी जोक पे किसी को कोई आपत्ति होगी यही आमने सामने क्लियर किया जाएगा, ट्विटर पे नहीं जाएगा बेंच कोई, ऐप नहीं आनी चाहिए बीच में। मुझे मेरे नाम का ट्वीट दिख गया, मैं रात को नस काट लूंगा, बता रहा हूं। मैं जस्टिफाई भी नहीं करूंगा अपने आप को, मैं जान दे दूंगा सीधी। मैं नहीं जेल जा सकता यार, ऐसा बारबी डॉल जैसा चेहरा लेके बैठ। नहीं वो नहीं हो पाएगा। एनीवेज कहां था मैं? एम्स्टरडैम। कौन बोला? तू बोला। क्या नाम है तेरा? हिमांशु। देख हिमांशु ऐसा है, मैं ना ऐसा बीच बीच में चला जाता हूं, तो मेरे को वापस लाना पड़ता है, तो तू कर लेगा? चल ठीक है, आज का डेजिग्नेटेड ड्राइवर तू ही है, ध्यान रखियो है? गाड़ी तू ही चलाए। बस ध्यान रखना मैं कहा था, ठीक है? चल ठीक है। एम्स्टरडैम राइट? हाँ एम्स्टरडैम था। आई वॉज सिटिंग इन दिस कैफे, आई वॉज स्मोकिंग अ जॉइंट, देर वर थ्री इंडियन गाइज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। एंड आई ओवरहर्ड वन ऑफ देम सेइंग,
भाई बस किसी भी तरह ना गांजे का जुगाड़ करना है। I was so impressed. Look at this guy. Challenging himself. क्या हुआ अगर गांजा लीगल है उधर? भाई जुगाड़ करके ही पिएगा। असली थ्रिल तो उसी में यार। आधा हाय तो पकड़े जाने का डर का ही होता है। और लौट के तो दिल्ली आना ना फिर। ऐसा लीगल गांजे की गंदी आदत क्यों डाले आदमी? दूर की सोचा था लड़का। I've shifted to Gurgaon recently. I used to stay in Delhi. Now I stay in Gurgaon क्योंकि thrill चाहिए मेरे life में। मेरे को नहीं दिल्ली में जा रहा था यार। ऐसा रोज जाओ रोज वापस आ जाओ ये क्या है? ऐसा रास्ते में रोकता ही नहीं था कोई। तो अभी मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ। गुड़गांव से ओके पता है। A lot of people make a lot of jokes about it. It's not that bad. It's a little weird though. थोड़ा सा अजीब तो है। Like one of my friends sent me this news article about गुड़गांव, ठीक है? गुड़गांव में एक स्कूल में 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने अपने प्रिंसिपल को गोली मार दी और स्कूल ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए स्टूडेंट को रस्टिगेट कर दिया जिसकी की जरूरत थी नहीं। आई डोंट थिंक उसका प्लान था अगले दिन स्कूल आने का यार कल से तो प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे फिर काफी हेक्टिक हो जाएगा शेड्यूल फिर नहीं टाइम मिलेगा गोलियां मारने का। हरियाणा के स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट हो गए इन मामलों में। यूपी में तो अभी भी डायरी में नोट डाल देते हो लोग ऐसा रेड पेन से बेटा पापा बुला के लाना कल वो अर्थी के लिए कंधा कम पड़ रहा है मदद लगेगी। बॉलीवुड में घुसा हुआ हूँ 8-10 दिन से ना। वो जो 80s 90s में एक्शन मूवीज आती थी ना उनमें घुस गया हूँ मैं। एंड आई हैव रियलाइज्ड कि उन मूवीज में ना इट वॉज वेरी इजी टू स्पॉट द हीरो इन अ गन फाइट सीक्वेंस बिकॉज अकेला वही बंदा होता था जिसने बंदूक ना ऐसे पकड़ी होती थी और किसी को अलाउड नहीं था ये बाकी जनता ऐसे सारी ये प्रिविलेज उसे ही था बस और नहीं कर सकता था कोई और फर्क हो जाता पता है इसमें ये मतलब 5 करोड़ साइनिंग बोनस ये 300 रुपए दिहाड़ी फर्क हो जाता था। ये जाएगा कॉफी विद करण में ये जाएगा सन ऑफ अबीश सन ऑफ अबीश पता है ना सबको है ना चलो शुक्र है। ये जोक का प्रॉब्लम चल रहा था पता है ये जोक कर रहा था मैं ऐसा लॉकडाउन से पहले भी कर रहा था 15-16 सिटीज में करके आया कभी भी 40-50% ज्यादा जनता को समझ नहीं आए या अबीश फेमस है या बेंच पता नहीं क्या चल रहा है पता नहीं क्या चल रहा है यार उसके सारे वीडियो शेयर करता हूं मैं सर रोज मैसेज करता हूं उसको बेस्ट ऑफ लक अबीश वो बंदा पहुंच ही नहीं रहा यहां तक जोक नहीं चलता मेरा गांड फट गई इसकी सारे बोल दिए उसने है गुड़गांव ऐसे यही तो दिक्कत है भाई तुझे क्या लग रहा है आदमी क्यों रखा है मैंने इस काम के लिए बॉलीवुड राइट हाँ बॉलीवुड गन फाइट सीक्वेंस ऑल्सो वो जो हीरो होता था ना वो गन फाइट सीक्वेंसेस में उसके चेहरे पे हमेशा एक कॉन्फिडेंस भरी स्माइल रहती थी गोलियां चल रही है उस पर
शिकन्नी माथे पे एक दिन, क्योंकि भाई ने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, उसको मालूम है गोली लगने सीन ही नहीं कोई, लहरा रहा है इधर उधर। एक पिक्चर भी देखा था मैंने, एक्चुअली किसी ने वीडियो भेजा था मेरे को, मिथुन चक्रवर्ती पे गोलियां चल रही थी, वो आदमी साइकिल के पीछे छुप गया। साइकिल में ट्रायंगल होता ना बीच में एक, उसमें से मुंह बाहर निकाल रखा उसने, उसे फर्क नहीं पड़ रहा उस आदमी का यार। एक हीरोइन परेशान होती रहती बस कि मत जाओ राकेश, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। राकेश लाइक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी क्या तुमने? स्क्रिप्ट तुम पढ़ती नहीं हो, पैसे तुम्हें बराबर चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा जैकलीन? अभी कुछ दिन पहले ना कुछ खास काम था नहीं घर पे मेरे पास, तो मैं घर बैठा बैठा सर्फ एक्सेल का पैकेट पढ़ रहा था। नहीं था काम क्या करें। सर्फ एक्सेल के पैकेट पे लिखा हुआ था सर्फ एक्सेल नाउ विद एक्स्ट्रा पावर, और ऐसा पावर के ऊपर ना स्टार बनाया था उन्होंने, नीचे स्टार बना के एक्सप्लेन किया था कि पावर मींस क्लीनिंग एबिलिटी। तो सर्फ एक्सेल को एक पैसे का भरोसा नहीं हमारे पे। उनको लग रहा है वो नहीं लिखेंगे तो दिल्ली गुड़गांव के जाट गुजर भैंसों घोल के पी जाएंगे उसको, ऐसे जिम के आसपास सारे स्टोर खाली हो जाएंगे, लौंडे सूखा ही खा रहे हैं, फिर दंड पेल रहे वहीं पे, यहां से एब्स बना के निकलेंगे, आज मिली एक्स्ट्रा पावर। When I was a kid, no, my favorite TV serial used to be जासूस विजय। जासूस विजय याद है किसी को? नहीं ना, हाँ होना भी नहीं चाहिए। है क्या? अरे मैं जो Fuck dude, really? सब बता दे तू, सारे तू ही कर लेना, आ जा। रुक जा थोड़ी देर। पता है this whole joke is based on the premise कि किसी को पता नहीं होगा। चुप रहे हो थोड़ी देर। सी दिस इज हाउ आई चैलेंज माई सेल्फ एज अ कॉमेडियन, क्योंकि देख ऐसा क्राइम पेट्रोल पे तो कोई भी जोक लिख सकता है। है कोई अभिषेक उपन्यू फैन है क्या? एक ही फायदा बताइए, यही सिंगल फायदा मेरे को, मैं उसकी गांड मार सकता हूँ मेरे शो में, वो नहीं मार सकता मेरी, उसी जनता घंटा पता ही नहीं देवेश कौन है। इसीलिए तो वो मेरे वीडियो शेयर करता रहता है। ऐसा रोज मैसेज करता है मेरे को, बेस्ट ऑफ लक देवेश। मैं पहुंच ही नहीं रहा यहां तक। मेहनत नहीं करता मैं, बट आसान है ये, पता है क्राइम पेट्रोल ससुराल सिमर का धत। भाई ने लिखा जासूस विजय पे, किसी के बाप ने नहीं देखा, कर लो रिलेट कैसे करोगे। दूरदर्शन पे आता था, मेरे डैड का थोड़ा था कि ये बल्लगवा दूंगा तो बिगड़ जाएगा ये, और उनको किसी ने बताया नहीं था जासूस विजय भी तो आ रहा है। फॉर पीपल हु डू नॉट नो, विच इज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, जासूस विजय वॉज एन एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम। हाँ एड्स, एड्स, एड्स समझती हो? अजीब अजीब चीजों में चौक रही चंडीगढ़ की जनता है। एड्स ये क्या होता है? तू इतनी दूर आ कैसे गई यार?
एड्स अवेयरनेस पे था. इट वॉज बेस्ड अराउंड दिस डिटेक्टिव ऑब्वियसली कॉल्ड विजय. बट सिंस इट वॉज ऑन एड्स अवेयरनेस वो बीच बीच में ऐसा इंटीग्रेशन करते रहते थे. जैसे किसी लाश की जेब में से कॉन्डम निकल जाएगा अचानक ही और फिर विजय सब केस वेस भूल के सबको कॉन्डम के प्रयोग बताने लगता था. चलता रहता था उसमें. इट वॉज अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस यू नो टू वॉच इट एज अ फैमिली. एवरीबडी यूज़ इन द एज ऑफ द सीट ऑल द टाइम. एकदम सस्पेंस से भरा होता था. कातिल सबको पता होता था कौन है. वो शुरू से क्लियर होता था. पर ये नहीं पता होता था कि विजय कब संभोग की बातें करने लगे. काफी अनप्रिडिक्टेबल आदमी था विजय. ऑल्सो विजय हिमसेल्फ हैड एड्स. हाँ था उसको. आज तो गवाह भी लाया हूँ मैं. पूछ लेना इससे, झूठ थोड़ी बोल रहा है. था उसको. वो एक्चुअली दिखाना चाह रहे थे कि एड्स के साथ भी आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं. पर नॉर्मल जिंदगी तो बिल्कुल नहीं जी रहा था आदमी. वो सुपर हीरो बन चुका था. केस पे केस सॉल्व किया जा रहा है. ही एक्चुअली यूज दिस कंडीशन इन सम केसेस. एक बार क्या, एक बंदा है उसके पास, उससे बोलता है हमारी महारानी का हार चोरी हो गया, हम बहुत परेशान हैं. विजय इज लाइक अच्छा महारानी का हार चोरी हो गया, परेशान हो तुम, मुझे एड्स है भोसड़ी के. महारानी बोल दूसरा हार खरीद ले और संभाल कर रखे इस बार और किसी अनजान व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध न बनाए. नहीं पता है, एक थोड़ा सा ऑकवर्ड टेंशन ना रहता ही है डैड लोग के साथ. और मैंने फिगर आउट कर लिया. पता है मेरे को क्या लगता है, मुझे एक थोड़ा सा ऑकवर्ड टेंशन रहता ना डैड लोग के साथ. आई थिंक दैट्स बिकॉज वी नेवर रियली गेट ओवर द फैक्ट that we used to live inside their balls. और हम बात भी नहीं करते ना इसके बारे में. देखो कैसे ऑकवर्ड हो गई आधी जनता. लाइक मॉम्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है. मॉम्स आर ग्रेट एट नॉर्मलाइजिंग द फैक्ट दैट वी यूज्ड टू बी इनसाइड देयर वूम्स. फक नॉर्मलाइजिंग इट, दे तो यूज इट टू देयर एडवांटेज. वो हर दूसरे दिन सुनाती है. इसी दिन के जो 9 महीने कोक में पाला था. And I'm like, जा रहा हूं दही लाने के लिए. उसके लिए ब्रह्मास्त्र चलाने की जरूरत नहीं थी. मच्छर मारने के लिए तोप नहीं निकालता कोई माँ. But your dad can't do that, right? तुम किसी का मर्डर करके ऐसा खून से सने हाथ लेके भी घुसोगे ना घर में तो भी ई कांट बी लाइक इसी दिन तुझे टैक्टो में ले घूम रहा था अपने. इट डजंट साउंड नाइस नो. एंड इवन इफ ही सेज दैट, इवन इफ डैड डज से दैट, His mom would walk up behind him. यही सुनने के लिए 9 महीने को उसमें बाला कर दिया.